Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Sakshi Agarwal. In case you are new here, then hi. I create content on makeup, beauty and fashion. ये जो आप makeup look देख रहे हो, इसका tutorial already uploaded है मेरे channel पे. अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखो. And you can easily recreate this look. बहुत ही easy breezy सा makeup है ये. तो या जाओ और जाके देखो एंड खुद भी रिक्रिएट करना. सो इफ यू आर न्यू हियर देन प्लीज टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. इट वुड मीन अ लॉट टू मी. एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच यू ऑल हैव आस्क्ड मी. मैंने इंस्टा पे एक पोल डाला था कि मुझे Q&A वीडियो करनी चाहिए या नहीं. एंड उस पे आई गॉट लाइक 95 वोट्स कि मुझे करनी चाहिए. सो हियर आई एम. तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टोरी डाली थी कि अगर मुझे Q&A वीडियो करना चाहिए तो आप लोग आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसमें ड्रॉप इन कर दो. एंड मुझे लिटरली काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए. एंड ये रहा मेरे पास जो मेरा फ़ोन है वन प्लस वाला, एप्पल वाले से मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज माई कैमरा बैटरी डाइड. मैंने क्योंकि ये लोग पूरा फिल्म किया था तो या उसकी बैटरी चली गई. मुझे फ़ोन से शूट करना पड़ रहा है. सो अभी मैं क्वेश्चंस वगैरह फ़ोन में देखूंगी अपने. मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस थे तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर करूं. तो मैंने उनमें से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं जो बहुत रिपीट हुए हैं. सो आई एम सॉरी अगर आपका क्वेश्चन स्किप हो गया तो. सो या लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो. एंड ये काफ़ी स्पाइसी Q&A होने वाला है. इसमें आप लोगों को कितना मतलब वो है ना मेरी पर्सनल लाइफ में जानने का, ये बताओ वो बताओ सब इतने वो आए हैं. मुझे लगा था कुछ मेकअप के बारे में पूछेंगे, यूट्यूब के बारे में पूछेंगे, पर नहीं, पर्सनल लाइफ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए. सो या चलो शुरू करते हैं. और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल ऑन सो दैट यू नेवर मिस माय वीडियो. सो या लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे रिसीव हुआ था वो ये कि आपकी एज कितनी है. लाइक बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा है. आई एम 22, आई एम 22 ईयर्स ओल्ड एंड हाँ मैं अभी हुई हूँ 22 की अगस्त में. सो या बहुत जल्दी बड़ी हो गई. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आई गॉट इज कि आप इतना खर्चा करते हो आप बनिया ही हो ना. गाइस मैं बनिया ही हूँ साक्षी अग्रवाल. अग्रवाल में ना बड़ा बड़ा अग्रवाल अग्रवाल बनिए ही होते हैं. यस आई एम अ बनिया एंड यस आई डू स्पेंड अ लॉट. हमारी फैमिली ऐसे कंजूस बनियों में से नहीं है. आई डोंट नो वैसे बनियों को बहुत ज़्यादा बदनाम किया जाता है कि बहुत कंजूस होते हैं वो लोग, खर्च नहीं करते. आई डोंट नो मेरे आसपास ऐसे बनिए हाँ हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत सारे हैं. बट टचवुड हमारी फैमिली ऐसी नहीं है. हम कपड़ों पे, खाने पे, घूमने फिरने पे एंड यू नो फोन पे, मतलब बहुत सारी चीज़ों में हम बहुत उड़ाते हैं. सो या सारे बनिए जैसे नहीं होते आई गेस एंड आपको ये मिथ है. तो बनिए कंजूस होते हैं ठीक है. मेरे आगे भी बहुत सारे ऐसे हैं जो हैं बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ बनिए ही होते हैं. आजकल तो सबका ऐसे ही चल रहा है भाई, क्या ही बोलूँ, मैं नहीं हूँ ठीक. क्वेश्चन आई गॉट इज कि आपका सैलॉन कहाँ पर है. तो ये मैं आपको नहीं रिवील कर सकती हूँ, बस मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि ये ईस्ट दिल्ली में है इन दिलशाद गार्डन. एंड अगर आपको विजिट करना है तो विजिट करना है, आपको बुकिंग लेनी है किसी भी चीज़ की तो आप मेरी ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हैं. उसके बाद आई विल यू नो सेंड यू दी एड्रेस आफ्टर जब मतलब बुकिंग वगैरह जब हो जाएगी. बट अभी मैं यहाँ पर पब्लिकली नहीं बता सकती, सॉरी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई गॉट इज कि आप यूट्यूब छोड़ हो क्या, आपने इतने दिनों से वीडियो नहीं डाली. सो ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत आया था लाइक इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स. किसी ने बोला था आपने यूट्यूब छोड़ दिया, किसी ने बोला आप यूट्यूब छोड़ रहे हो गया, किसी ने बोला कि आप यू नो अपने स्टूडियो पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो तो इसलिए अब आप यूट्यूब पे वीडियोज़ नहीं बनाओगे. सो ऐसा नहीं है गाइज, आई एम नॉट लीविंग यूट्यूब एनी टाइम सून. अभी तो शुरू करा यार, अभी छोड़ दूँ क्या. अभी तो एक साल ही हुआ है आई गेस. हाँ, और वो एक साल भी पूरा हिट एंड ट्रायल वाला था. अब तो पूरी रियल जर्नी जो है शुरू हुई है तो अभी नहीं छोड़ रही हूँ मैं. हाँ, बीच में गैप हो गया था मेरा, 1.5 हफ्ते का गैप हो गया था. वो भी इसलिए क्योंकि स्टूडियो की यू नो बहुत सारा वो था माइंड में. जब भी आप कुछ नया कुछ बिजनेस या फिर आप इवन घर भी बनाते हो तो उसमें कितना ज़्यादा वो टाइम लग जाता है, दिमाग को दिमाग कितनी जगह ऑलरेडी भाग रहा होता है आपका कि यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, यहाँ पे वो चीज़ होनी चाहिए. एंड स्टूडियो का मैंने एक एक पार्ट जो है बिल्कुल सोच समझ के बनाया है एंड सब कुछ मतलब पूरा प्लान करके डिज़ाइन करके एंड ये सब करके करवाया है. तो बहुत ज़्यादा क्योस हो रहा था उस टाइम पे. यहाँ भी देखना था मुझे सब कुछ एंड जो मेरे ऑलरेडी जो कोलैबोरेशंस चल रहे थे उनके लिए मुझे वीडियोस भी सबमिट करनी थी क्योंकि मैं उन्हें तो नहीं बोल सकती ना ब्रांड्स को कि नहीं मैं आपको सेंड नहीं कर रही हूँ. जिन्होंने मुझे PRs भेजे हुए थे उस वीक में तो मुझे जो भी कॉन्टेंट था वो डिलीवर करना था. तो बहुत कुछ हो रहा था एंड
खोलते ही, स्टूडियो ओपन करते ही मैंने सोचा था कि मतलब मुझे टाइम मिल जाएगा बनाने का ये सब का, बट ओपन करते ही टच फूड, मैंने लास्ट वीडियो में भी जैसे आपको बताया था, आई हैड सच अ गुड क्लाइंटेल। मैंने 2 हफ्ते लिटरली इतनी ज़्यादा मेहनत करी अपने स्टूडियो में, मेरे को रात के 11-11 बज जाते थे घर जाने में, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट्स होते थे एंड जो केमिकल वर्क था ना वो बहुत ज़्यादा आया, स्मूदनिंग केराटिन इतनी ज़्यादा आई ना एकदम से। तो मेकअप भी काफ़ी थे क्योंकि मेकअप का आपको पता है जिस दिन वेडिंग का साया होता है उसी दिन आते हैं मेकअप, तो मेकअप भी थे बीच बीच में, लाइक मेकअप ऐसे थे कि थे तो उस दिन 12-12 मेकअप, एक दिन तो लिटरली 15 मेकअप थे मैं स्टूडियो में। तो टाइम नहीं मिलता था कि मैं यू नो वीडियो शूट करूँ उसके बाद एडिट करूँ, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी, रात को तो बस ऐसे होता था कि सो जाओ। तो हाँ, मैं यूट्यूब नहीं छोड़ रही हूँ, मैं आउट ऑफ ट्रैक चली गई हूँ, मैं यूट्यूब नहीं छोड़ रही हूँ, इट्स लाइक कि मैं यहाँ पे बहुत बिजी थी तो इसलिए मैं वहाँ पे वीडियो नहीं शूट कर पाई या एडिट कर पाई या अपलोड कर पाई पहले वाली भी, बट अब मैं यू नो मतलब कोशिश करूँगी कि मैं दोनों का बैलेंस रखूँ क्योंकि मुझे यूट्यूब पे भी फोकस करना है और तो दोनों चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि दी स्मूथनिंग का चार्ज कितना है, आप मुझे DM कर दो, मैं आपको बता दूंगी। एंड ये मेरी बातें, आप प्राइस ऐसे मत पूछा करो, DM करो सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे आपसे मेकअप कोड सीखना है, आप मुझे सिखा देंगी क्या? हाँ बिल्कुल सिखा देंगे, मेरे यहाँ पे कोर्सेज भी चलते हैं तो वाई नॉट, आप एनरोल कर सकते हो। फर्दर डिटेल्स के लिए आप मुझे DM कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आई गॉट इज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये एंड काफ़ी यू नो अच्छा क्वेश्चन है कि आपके अभी 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए हैं तो आपको 1 ईयर हो गया है, आपका मन नहीं करता कि मैं यूट्यूब छोड़ दूँ, गुस्सा नहीं आता? सो लेट मी जस्ट टेल यू क्लियर यू गाइस कि पहली बात तो आपको इतनी टेंशन है तो करवाते क्यों नहीं हो यार आप लोग 1000 सब्सक्राइबर। एंड सेकेंड ऑफ ऑल कि मैं बस मेहनत कर सकती हूँ, मैं वीडियोज़ डाल रही हूँ, मैं बना रही हूँ उन्हें, एडिट कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, बहुत टाइम लगता है। आई नो जब मैं वीडियोज़ देखती थी ना यूट्यूब पे पहले, मतलब जब मेरा चैनल नहीं था, तो मैं बोलती थी यार कितना सही है इनका, मतलब बस वीडियोज़ बनाते हैं एंड दे आर सो चिल, मतलब होता है ना सबके दिमाग में, अगर आप लोग अभी मुझे भी देखते हो तो आपके दिमाग में भी मे बी यही चलता हो, बट वो जो बस वीडियोस बनाते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है मुझे अब पता चल रहा है कि लिटरली प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक जो जो भी लगता है ना दिमाग की दही हो जाती है लिटरली, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा क्योस का काम है। एंड उसके बाद भी सब्सक्राइबर जब नहीं बढ़ते तो ऑब्वियसली हर्ट होता है, बुरा लगता है, बट मैं मेहनत कर सकती हूँ, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है कि क्या आएगा, मेरा काम बस यू नो वीडियोज़ अपलोड करना है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कभी तो होंगे, इसी उम्मीद पे मैं टिकी हुई हूँ तो कभी तो होंगे। एंड 700 भी होने वाले हैं जल्दी, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, फटाफट से बढ़वाओ मेरे सब्सक्राइब। एंड आपके लिए गिव अवे भी चल रहा है, अगर जब हो जाएंगे तो उसके बाद गिव अवे के विनर्स को अनाउंस करूँगी मैं। सो या गुस्सा तो नहीं आता एंड ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ बीच में मतलब कभी कभी एक होता है ना जब ब्रेक डाउन हो जाता है कि यार मैं क्यों कर रही हूँ इतनी मेहनत जब मुझे कुछ मतलब नहीं मिल रहा, क्योंकि वी स्टार्ट यू नो कंपेयरिंग आर सेल्फ टू अदर्स कि यार उसके तो इतने हैं, उसके 1 लाख पहुँच गए, उसके 20 लाख पहुँच गए एंड तू अभी तक तेरे 1000 भी नहीं हो रहे हैं, बट हम ये नहीं देखते कि वो लोग कितने साल से हैं इस इंडस्ट्री में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब? गाइस आई डोंट अर्न फ्रॉम यूट्यूब येट, अभी मेरी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुई है क्योंकि जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में बात हुई हमारे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं अभी एंड वैसे अर्निंग नहीं हो रही है, बट हाँ पेड कोलैबोरेशन मुझे आना चालू हो गया है तो उससे आई एम अर्निंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये वाला क्वेश्चन बहुत आया है कि हाउ मच हैव यू अर्न इन योर स्टूडियो, लाइक हाउ मच डू यू अर्न, बहुत अलग अलग फॉर्म्स में क्वेश्चन है ये वाला भी। सो आई कैन गिव यू लाइक प्रॉपर डिजिट कि हाँ आई एम अर्निंग इतना, अभी मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ यार, अभी मुझे कितना 2-2.5 हफ्ते हुए हैं शायद, 2.5 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, तो हाँ मैं इतना बता सकती हूँ कि आई कैन ईजिली बाई iPhone 12 Pro विद माई ओन मनी। सो आप कैलकुलेट कर लेना मैथ्स वैथ लगा के कि मैंने कितना अर्न किया होगा इन 2.5 वीक्स। या नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके फेस पे दाने नहीं होते इतना मेकअप करके? ओके दिस इज़ अ वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर आपने मेरे पिछले लॉकडाउन का चेहरा नहीं देखा तो लॉकडाउन में मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, बहुत एंड में चालू किया था, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी बिफोर एंड आफ्टर कि आप लोग डर जाओगे, लिटरली मेरे फेस पे इतने दाने हो गए थे कि बस मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मैंने लॉकडाउन में इतना मेकअप किया था, लिटरली आई यूज टू वेकअप टेक बाथ एंड स्टार्ट डूइंग यू नो मेकअप, मैं लग जाती थी मेकअप करने के लिए एंड मैं डेली डेली इतना मेकअप कर रही थी
लिमिट क्रॉस जिसे कहते हैं ना, बहुत मेकअप किया था मैंने पिछले लॉकडाउन में, बहुत प्रैक्टिस हुई थी मेरी उस टाइम पे. सो बिकॉज दैट वॉज द इनिशियल डेज ऑफ यू नो इन माई मेकअप आर्टिस्ट जर्नी. सो मुझे था कि मुझे प्रैक्टिस करनी है एंड मैं बहुत ज़्यादा लग गई थी उसमें, तो मेरे फेस पे बहुत दाने हुए थे क्योंकि मैंने स्किन प्रिपरेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया था टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो बहुत आने हो गए थे. अगर मेरे को पिक्चर मिली तो मैं कहीं इंसर्ट कर दूंगी, आप देख के डर जाओगे लिटरली. मैं इतना हो गया था कि मतलब मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना वो एकदम यहाँ पे है ना, अभी मेरा कॉन्फिडेंस तो उस टाइम यहाँ पे था लिटरली. आई यूज टू क्राई एट नाइट्स कि यार क्या हो रहा है मेरी स्किन पे, एंड बिल्कुल भी नो कॉन्फिडेंस नहीं आता था अंदर से. बाहर जाऊँगी किसी से मिलूँ, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया एंड उसके बाद मेरा कोर्स वोर्स चला एंड अभी टच वोर्ड ठीक है. एंड अब मैं मेकअप करती हूँ तो स्किन प्रेप का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, बहुत अच्छे से उसे रिमूव करती हूँ. एंड मेकअप लगाने से पहले भी मैं बहुत अच्छी तरह स्किन प्रिपरेशन करती हूँ क्योंकि वो फेस मुझे दोबारा नहीं चाहिए. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन गई है ये ऑलरेडी, तो ये लास्ट क्वेश्चन है. आपने BBA करी है ना, तो उसके बाद आप मेकअप आर्टिस्ट कैसे बन गया? सो मैंने BBA नहीं, मैंने MBA करी है एक्चुअली. आई एम एन MBA एंड अ मेकअप आर्टिस्ट बोथ. सो या कंप्लीट पैकेज. सो या मुझे शुरू से ही था कि मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे कुछ अपना ही करना था बिजनेस में. MBA के बाद मेरा ये था लाइक मुझे HR में MBA करनी है, उसके बाद जो भी बिजनेस है एपिटाट का बिजनेस है वो अगर मैं होल्ड करूँगी तो HR की पोजीशन पे ही करूँगी, या फिर कुछ और भी कुछ भी करती तो मैं HR में ही करती. सो आई लिव इन ईस्ट दिल्ली, तो यहाँ पे इतनी कंपनीज वगैरह नहीं है, हमें नोएडा या गुड़गांव की तरफ ही जाना पड़ता. सो मेरे बस की इतना ट्रैवलिंग का नहीं था क्योंकि मैंने कॉलेज में ऑलरेडी यू नो वहाँ वसंत कुंज में बहुत ट्रैवल किया है. मुझे मैंने लिटरली 3-4 घंटे मेट्रो में बिताया रोज़. सो अब मेरे अंदर इतना वो नहीं है कि मैं मेट्रो में ट्रैवल करूँ या फिर मैं कार से भी ट्रैवल करूँ, अब बस बहुत हो गया. मुझे कुछ भी था तो मुझे घर के पास ही चाहिए था. सो जॉब तो मुझे नहीं करनी थी, मुझे कुछ अपना ही करना था. एंड सडनली मेरे को ऐसी मतलब मेकअप का शौक तो था ही, तो एज अ हॉबी मैंने सोचा कि चलो मैं मतलब ज्वाइन करती हूँ कुछ मेकअप वेकअप सीख लेते हैं, फ्री बैठे हैं घर में. लॉकडाउन से 1-2 महीने पहले की बात है, आई took this course from Lakme Academy and वहाँ से मैंने किया था ये. एंड अगर आप चाह रहे हो करना तो प्लीज़ वहाँ से मत करना, रिव्यूज आर नॉट गुड फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स एज वेल. सो या डोंट डू दैट. ज्वाइन किया उसके बाद 1 महीने बाद ही लॉकडाउन लग गया, फिर मैंने घर पर बहुत प्रैक्टिस करी एंड मैं प्रो बन गई थी ठीक है. मुझे उसके बाद लग भी नहीं रहा था कि मुझे जलाने की ज़रूरत है वहाँ पर, बट या फिर वहाँ से किया. उसके बाद मुझे इतना पैशनेट हो गई ना मैं लॉकडाउन में मेकअप के लिए, फिर मुझे लगा यार इस हॉबी को प्रोफेशन में बदल लेना चाहिए. सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड कॉलिंग माई सेल्फ एज अ मेकअप आर्टिस्ट. एंड हाँ ये वाला क्वेश्चन भी बहुत था कि लाइक आपने बहुत ही अलग फील्ड चूज करी है, सो हाउ योर पेरेंट्स रिएक्टेड टू दिस फील्ड. माई मॉम इज वेरी सपोर्टिव, लाइक वेरी वेरी सपोर्टिव. उन्होंने मुझे शुरू से ही सपोर्ट किया. दैट वॉज लाइक अ बिट अनकम्फर्टेबल फ्रॉम मी बींग अ मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि ये फील्ड इतनी वो नहीं है लाइक बच्चा डॉक्टर बने टीचर बने और इंजीनियरिंग करे तो वो कहलाता है कि हाँ उसने कुछ किया है, गवर्नमेंट जॉब करे. बट ये सारी फील्ड ऐसा लगता है कि क्या कर रहा है वो, कुछ भी नहीं कर रहा, ऐसे फालतू की जो मिसकंसेप्शंस होती हैं. बट लेट मी जस्ट टेल यू कि ये वाली फील्ड में इतना पैसा है कि आप कुछ भी बन जाओ. उसमें 1 महीना जो मेहनत करते हो ना आप उसमें तब कमाओगे इतना इस फील्ड में हम 1 दिन में कमा सकते हैं. तो जस्ट क्लियरिंग इट आउट. एंड बहुत अच्छी फील्ड है ये अकॉर्डिंग टू मी. अगर आप लोकेशन अच्छी है आपकी एंड काम अच्छा है आपका तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड फील्ड फ्रॉम माई साइड. बट या स्टडीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने पहले पढ़ाई करी एंड उसके बाद मैं इस फील्ड में आई, क्योंकि अदरवाइज मेकअप आर्टिस्ट और पार्लर वाली आंटीज में क्या ही फ़र्क है, कुछ फ़र्क नहीं रहेगा अगर आप ऐसे ही ना पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के इस फील्ड में घुस जाओगे तो. नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसके बारे में मैंने यू नो प्रैक्टिकल से ज़्यादा थ्योरी पढ़ी है. सो यही फ़र्क होता है बस, कि अगर आप किसी नॉर्मल पार्लर पे जाओगे तो आपको अगर आप उनसे पूछोगे ना किसी भी चीज़ की थ्योरी, कि अगर उन्होंने ग्रीन आउटफिट पहना है और आप रेड शेड का आई शेडो लगा रहे हो, अगर आप उनसे पूछो कि आप ये क्यों लगा रहे हो तो वो नहीं बता पाएंगे कि क्यों लगा रहे हैं. तो इट्स बिकॉज कि रेड एंड ग्रीन आर कॉम्प्लीमेंट कलर्स एंड वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. तो अगर हम रेड आउटफिट पहन रहे हो तो हम ग्रीन शेड लगाते हैं, अगर आपने ग्रीन वो पहना है तो हम रेड लगाते हैं. दैट्स वॉट मेक्स अस एज आर्टिस्ट. तो यहाँ यही था, बहुत ज़्यादा बोल लिया मैं थक गई हूँ अब. अब मैं चाहती हूँ आज धनतेरस है, हैप्पी धनतेरस आप सबको. मुझे बहुत लेट याद आया है यार शिट. ठीक है, आप लोग तो वैसे भी दिवाली के आसपास ही देख लोगे ये वीडियो, तो चलो अब मैं चलती हूँ. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई रियली होप यू फाउंड दिस वीडियो इंजॉयबल.
If you did, then please give it a thumbs up and subscribe me on my YouTube channel. And don't forget to follow me on my Instagram as well. I will see you in my next video. Till then, bye bye and happy Diwali, all of you. Bye.